गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कमर्स क्लासेस। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। अब मॉलिक्यूलरिटी हमने कर ली थी, है ना। मॉलिक्यूलरिटी करने के बाद में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इंटीग्रेट रेट इक्वेशन। अब इंटीग्रेट रेट इक्वेशन होती क्या है बच्चों? इंटीग्रेट रेट इक्वेशन में क्या है, जैसे हमने रेट लॉ पढ़ा था तो रेट लॉ में हमने डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर रेट इक्वेशन के बारे में आपको बताना है कि हमारी जो रेट इक्वेशन होती है, जैसे है ना, जो रिएक्शन है उसको हमें इंटीग्रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है? तो यहाँ पर द कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑफ रेट कॉल्ड, रेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। जो कंसंट्रेशन फॉर्म होती है वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ का जो कंसंट्रेशन पार्ट होता है हमारा, यानी कि रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन यानी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर दूसरे वर्ड में कहते हैं रेट इक्वेशन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम पे भी डिपेंड करेगा, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। अब कोई भी रिएक्टेंट की टी टाइम कितना, जीरो है, है ना, और जो प्रोडक्ट बना रहा है तो टाइम टी जीरो में वो कितना प्रोडक्ट बनाएगा, यानी उसकी कोई कंसंट्रेशन कमी नहीं होगी, यानी डिक्रीज नहीं होगी, ना इंक्रीज होगा प्रोडक्ट और ना ही आपका जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो हमारे पास रेट इक्वेशन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम का मतलब ये है कि अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट टी इक्वल टू जीरो, है ना, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी जीरो, यानी कोई भी कंसंट्रेशन पे कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, कोई पड़ने ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, जैसे हमने लिया था उसी फॉर्म में वो रहेगा, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो जीरो बनेगा। अब किसी भी टाइम टी में तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है ना, आर डी टी, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता है सी, ओके। तो ये है आपका इंटीग्रेट रेट इक्वेशन में। तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग, कोई अगर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो रेट इक्वल टू माइनस के डी अपॉन आर अपॉन डी, और माइनस, सो माइनस आपको क्या पता है, आपको पता ही है माइनस का, तो माइनस का शो करता है क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, डिक्रीज तो हो ही जाता है, उसमें से कुछ पार्ट निकल के प्रोडक्ट बन जाता है, ओके। तो डिक्रीज माइनस का साइन इसलिए आता है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे करते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में वो फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला निकालने के बाद उस पर न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का आता है, एक 2 मार्क्स का आ जाता है जिनसे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये नोट करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर, और हम करते हैं इंटीग्रेटर, है ना। तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मेरे पास, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं फॉर्मूला जनरेट करने जा रहा हूँ, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके से होती है, है ना, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, देखिए लेट अस कंसीडर, मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ कि ए से बी, है ना, ए से बी एक प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, ठीक। वही है कि इसमें कि टाइम टी जीरो पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, आर नौ, यानी सी, यानी कंसंट्रेशन सी जीरो होगा और प्रोडक्ट हमारे पास कुछ बने रहेंगे। अब यहाँ पर है टी एक इनिशियल टाइम में टी, यानी कंसंट्रेशन टी हो जाता है और क्या बन जाता है, बी टी, यानी एक प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास बी टी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैं क्या करूँगा कि रेट इक्वेशन, जो हमारे पास रेट इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, अभी मैंने पीछे बताया था, तो उसमें क्या होता है, रेट इक्वल टू माइनस के डी सी अपॉन डी टी। अभी तो आपको पता ही है कि कंसंट्रेशन के लिए होगा, यानी रिएक्टेंट के लिए होता है, इसमें रेट लॉ अप्लाई जो होता है वो रिएक्टेंट के लिए होता है, तो रेट इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन डी टी, ये आपको पता है, या हम डी आर अपॉन डी टी, ये कंसंट्रेशन होता है, सी का साइन तो कंसंट्रेशन हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी, और डी आर यानी रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट। उसके बाद आते हैं सेकंड, रेट इक्वल टू के आर की पावर जीरो, रेट इक्वल टू के आर की पावर जीरो, ये कैसा हुआ, ये हमारे पास रेट ऑफ इक्वेशन जो हमने पीछे बताया था, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन में के इक्वल टू आर, आर की पावर कितना आएगा, जीरो, यानी यहाँ पर तो आपका ये रिएक्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने पावर में रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम पावर क्या कर देते थे, ए की पावर
वन और बी की पावर वन, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर रिएक्टेंट में तो एक की चीज़ है ना, तो इसलिए ए की पावर जीरो हो गई। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएंगे तो यही फॉर्मूला ए की आर की पावर क्या हो जाएगी, वन हो जाती है। ठीक है, तो अब किसी की पावर वन होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। तो रेट इक्वल टू के मल्टीप्लाई वन। अब बच्चे पावर वाले भी देख रहे हैं ये बच्चे, ठीक है, मैथमेटिकली पोर्शन है ये थोड़ा सा, है ना, तो मैथ वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो बट बायो वाले बच्चे ऐसा है कि रेट इक्वल टू इसको थोड़ा सा आपको रखना ही पड़ेगा, है ना, और दो तीन फॉर्मूले आप देख लेना इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पर रेट इक्वल टू के मल्टीप्लाई वन, तो रेट इक्वल टू के, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई टू आवर। अब यहाँ से मैं वैल्यू रेट की वैल्यू मैं इस क्वेश्चन में रखता हूँ, इसमें इस क्वेश्चन में रखता हूँ, रेट की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, तो आ जाएगी फुट इन द वैल्यू ऑफ रेट इक्वेशन फर्स्ट, है ना, तो मैं इसके डी आर अपॉन डी टी दिया गया, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, यहाँ पर मैंने के रखा। ओके, के रखने के बाद मैं करता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अभी इंटीग्रेटिंग एक मैथमेटिकली फॉर्मूला है ना, डिफरेंशियल होता है, मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है कि इसको डिफरेंशिएट जो हमारे पास है इसको हमें हटाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड की, माइनस का साइन डी आर अपॉन डी टी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, उसके बाद के डी टी। ओके, उसके आगे क्या आता है, ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। ठीक, तो डी आर इक्वल टू ये साइन जो माइनस का है मैं आगे ले लेता हूँ यहाँ पर माइनस का। ठीक है, तो माइनस का साइन आएगा के डिफरेंशियल डी टी। ओके, तो आर, ठीक है, कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। तो ये फॉर्मूला हमारे बन के आता है, ये फॉर्मूले अप्लाई हुआ है यहाँ पर, ये कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूले से आता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटीग्रेट में मैथ वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, बट जो बॉय वाले हैं वो नहीं समझे होंगे, है ना, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको यही आपको एक रटना है, रट लेना। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वेयर आई इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो आई होता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसी को हम एक इक्वेशन मान लेंगे, कैपिटल ए इक्वेशन मान लेंगे। ओके, अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि कोई टाइम टी में, जो टी टाइम है जीरो में, उसका जो कंसंट्रेशन हो जाता है, उसका जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट, यानी रेट ऑफ कंसंट्रेशन, मैंने यहाँ पे सी नॉट ले लिया है ना, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन के हिसाब से आर भी ले सकते हो आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर सी की जगह आर ले लिया। ठीक है, तो कितना हो गया आर। ठीक है, उसके बाद में रिएक्टेंट आर इक्वल टू आर नॉट हो जाता है। ठीक, वेयर आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आर नॉट यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है। देखिए, ये जो आर नॉट आया है क्वेश्चन में, ये वर्ड जरूर आता है इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके न्यूमेरिकल आएंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको बोलेगा, तो आपको आर नॉट की वैल्यू उस तरीके से पुट करनी है, जब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराएंगे इस पर, तब आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज होता है ना, अभी फॉर्मूला जब जनरेट हो जाएगा तब आप ही बताएंगे, ये तो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी रिएक्शन होती है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके से होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी यानी टी कोई किसी टाइम टी जीरो जीरो में कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, जीरो रहता है, कोई बनता ही नहीं है, और एक टाइम अगर हम टी लेते हैं कोई, तो उसमें टी यानी सी टी यानी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है यानी डिक्रीज हो जाती है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैंने के आर की पावर जीरो लगा दिया, अभी जीरो कहाँ से आ गया, अभी इतना फॉर्मूला हमें पता है, जब पीछे आप देखोगे कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बताया था आपको, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैंने उसमें रेट इक्वल टू एक्स की पावर, है ना, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई बताया था, यानी वो जो एक्सपेरिमेंटली तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटली है, तो यहाँ पर पावर एक कर देंगे, सॉरी जीरो कर देंगे, अगर अब आएगा हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा तो हम यहाँ पावर वन कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप नोट करिए, इसके आगे अभी और है, ये अभी और करते हैं आगे पूरा फॉर्मूला, तब आप नोट करिए। तो बच्चों चलो इसके आगे से चलते हैं, है ना, यहाँ से वेयर आर नॉट, है ना, आर इक्वल टू आर नॉट जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है हमारे पास, एक नॉर्मल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन बन जाता है। तो यहाँ पर जब आर की वैल्यू है ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, एन आर नॉट और टी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, आर नॉट और के मल्टीप्लाई टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए आर नॉट इक्वल टू के मल्टीप्लाई जीरो, ये आई हो गया, तो आई की वैल्यू आर नॉट हो गई। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, इसी इक्वेशन में रख देंगे आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू रखने के बाद में क्या बन जाता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन ए,
r इक्वल टू के टी प्लस आर नॉट, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब इसमें एक प्लॉट अगर हम एक स्लोप बनाते हैं यानी कि एक बार ग्राफ बनाते हैं, इफ वी प्लॉट r अगेंस्ट t, जो रेट है वो अगेंस्ट करते हैं t के कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज है, ये इंक्रीज हो रहा है ऊपर को, ठीक है। और जब इंक्रीज हो रहा है कि इनिशियल में क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जब नीचे डाउन होते जा रहा है तो क्या हो रहा है ना, ये है आपका इंक्रीज है, तो यहाँ से स्लोप आया नीचे को, फिर जो हमारे पास k है वो माइनस स्लोप शो कर रहा है, ठीक है, वही विद रिस्पेक्ट टू टाइम t में, ठीक। तो वी गेट इस स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू माइनस k एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू r नॉट, यानी किसके इक्वल है r नॉट। तो यहाँ पर ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंप्लीट होती है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल कराने के बाद में उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर कराएंगे, ठीक है, नोट करिए।